30 जुलाई को मुनस्यारी तहसील के खेत भराड़ में आई आपदा ने भीषण तबाही मचाई। नदी के पानी में जहां नदी के किनारे की जमीन पर जबरदस्त भूकटाव हुआ, वहीं नदी किनारे मकान भी खतरे की जद में आ गए। पर आपदा के 3 माह से भी अधिक समय बीतने के बाद अभी तक यहां पर आपदा प्रभावितों के लिए कोई काम नहीं होने से प्रभावितों ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया। नवबारह समाचार पिथौरागढ़ उत्तराखंड से त्रिभुवन जोशी। बंद करो। 20 जुलाई 2020 को जो आपदा आई थी खेत भराड़ क्षेत्र में, जो मुनस्यारी तहसील के अंतर्गत आता है, उस क्षेत्र में आपदा ने पूरा क्षेत्र को अपने जायज में ले लिया था, जिस कारण वहां पर भारी नुकसान हुआ था। शासन प्रशासन और सभी अधिकारी लोग वहां पे आए थे, वहां मुआयना करके गए हैं, लेकिन मुआयना करने के बजाय उन्होंने कोई कार्य नहीं किया अभी तक। केवल वहां पर देखने के अलावा कोई कार्य अधिकारियों ने नहीं किया। केवल बात कही गई कि हम यहाँ पे चनेजाज किया जाएगा, यहाँ पे सुरक्षा दीवारें दी जाएंगी, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रभाव दिखने को नजर नहीं आ रहा है। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बावजूद गांव दहशत में है। हल्की बारिश आने पर जो आपदा का मलबा है गांव की तरफ को बढ़ रहा है। लगातार मलबा बढ़ने से लोग खतरे में है। लोग सुबह शाम यही शासन से मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम सड़क पर उतर कर आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। 28 नवंबर को हमने एक जन आंदोलन का फैसला किया है, जिसमें शासन प्रशासन अगर नहीं जागता है तो हम पूरी तरह एक अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, ताकि जो शासन प्रशासन जागे और हमको सुरक्षा की जो हमने गुहार लगाई वो मांग पूरी करे। आपका नाम क्या है सर? देवेश। खेत भराड़ क्षेत्र में जो ग्रामीण अभी लोग आया है, उसमें सिंचाई विभाग के माध्यम से हम लोगों ने उसका एस्टिमेशन का कार्रवाई पूर्ण कर लिया है। उसमें उनका जो भी एस्टिमेट होगा उसको हम लोग जो इस वर्ष उसके आधार पर जो तात्कालिक आवश्यकता है उसको हम स्वीकृत कराएंगे। साथ साथ उस क्षेत्र में हमने रिवर ट्रेनिंग का प्रस्ताव किया हुआ है। जो मलबा उस क्षेत्र में जमा हो गया है उसका निस्तारण के लिए रिवर ट्रेनिंग के माध्यम से उस मलबे का निस्तारण